इमेजिन कीजिए, आप खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में पाते हैं जहां पर हर तरफ बस अंधेरा है। नीचे देखने पर सिर्फ जमीन से कई हजार मील दूर खुद को एक अकेले स्पेसशिप में फंसा हुआ पाते हैं, और तब अचानक आपका कॉन्टेक्ट दुनिया से कट जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। कैसे भारत की बेटी फंस गई स्पेस में? क्या भारत की इस बेटी को स्पेस में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या वापस लाया जाएगा? ये सब हो रहा है हमारी अपनी सुनीता विलियम्स के साथ, जो कि स्पेस में फंस गई थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे इस मुश्किल घड़ी का सामना किया और लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम रिवील करेंगे इस कहानी का हर एक डिटेल। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस थ्रिलिंग जर्नी के साथ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेस की मिस्ट्री, सुनीता विलियम्स का करेज और नासा की एडवांस टेक्नोलॉजी को। चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं सुनीता विलियम्स को, जो एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने स्पेस में काफी समय बिताया है और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया जब वो स्पेस में फंस गई थी। हुआ कुछ यूं कि सुनीता विलियम्स अपने मिशन पर ठीक तरह से काम कर रही थी, जब एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया। इस वजह से ग्राउंड कंट्रोल से उनका कॉन्टेक्ट कट गया और वो वहीं फंस गई। स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का फेल होना काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर मिशन की सेफ्टी और सक्सेस इस पे डिपेंड करती है। नासा टीम ने तुरंत एक्शन लिया और उनके कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्पेस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफी चैलेंजिंग होता है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी और हार्श कंडीशंस के कारण एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। सुनीता विलियम्स ने प्रेजेंस ऑफ माइंड और ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने काम रहकर सिस्टम को मैनुअली ट्रबल शूट करने की कोशिश की। आपको बता दें कि स्पेस में हर एक स्टेप बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। उन्होंने अपने मैनुअल सिस्टम का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक किया और नासा टीम को अपने एफर्ट्स के बारे में बताया। नासा इंजीनियर्स ने भी तुरंत रिस्पांस दिया और उनके साथ मिलकर काम किया। उन्होंने कई सिस्टम्स को चेक किया और एनालाइज किया कि प्रॉब्लम कहां हो सकती है। एक तरफ सुनीता विलियम्स स्पेस में अपने टूल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरी तरफ नासा की टीम ग्राउंड से उनको गाइड कर रही थी। सुनीता ने अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया और ट्रबल शूट करते समय फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जब कम्युनिकेशन रिस्टोर हो गया। ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेसफुल था, लेकिन सुनीता ने अपनी स्मार्टनेस और पेशेंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप सोच रहे होंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो दोस्तों, अब सुनीता विलियम्स बिल्कुल सेफ हैं और अपने मिशन पे सक्सेसफुली काम कर रही हैं। नासा की टीम उनके साथ कंटिन्यूस टच में है और उनकी सेफ्टी पे नजर रखी जा रही है। नासा ने इस इंसिडेंट के बाद अपने प्रोटोकॉल्स और सिस्टम को और भी अपग्रेड करने का प्लान बनाया है, ताकि फ्यूचर मिशंस में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। नासा के स्पोक पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुनीता विलियम्स ने जो काम एंड कंपोज्ड एटीट्यूड दिखाया, वो एक एग्जांपल है सब एस्ट्रोनॉट्स के लिए। उन्होंने बताया कि इस तरह के इंसिडेंट्स रेयर होते हैं, लेकिन हर मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को इस तरह की सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सुनीता विलियम्स ने इस इंसिडेंट के बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और अपने मिशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही हैं। उन्होंने इस चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलकर ये दिखाया कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। उनकी करेज और डिटर्मिनेशन हमें भी इंस्पायर करती है। दोस्तों, ये थी कहानी सुनीता विलियम्स के स्पेस में फंसने की और कैसे उन्होंने इस चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल किया। इस कहानी से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें काम और कंपोज रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपको ज्ञान के इसी मंच के नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।